अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। मोदी ने वापस सदर कर लिया अमेरिका को ये तकलीफ क्या कुछ करते हुए आज ऑल इंडिया एसएससी डॉक्टर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 28वीं जयंती के पावन पर्व पर यहाँ मंजा सिंह विश्व वंदने भिक्खु संघ को त्रिवार वंदामी और जो यहाँ पर अतिथि खड़ी हैं उन सबको मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और सभा में उपस्थित सभी को मैं साधुवाद करता हूँ कि इतने देर से जो प्रोग्राम चल रहा है आप लोग धैर्यपूर्वक बैठे के सुन रहे हैं। हम लोग बाबा साहब की जय गाना जय भीम जो भी लगा करके और उसके बाद जो भी बात करते हैं इतने देर से बात हो रही है सही मायने में जिस महापुरुष ने अपने पूरे जीवन का समर्पण किया हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में कि हम उनके लिए दो चार घंटे समय नहीं दे सकते। हम इतने जो दिल में बातें करते हैं हम इतने दिल जय भीम या जो भी जितने भी नारे हैं जिन महापुरुष ने हमारे लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक स्तुति भी नहीं सोए और हम उनके जन्मदिन के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइज किया है वो मेहनत करके तो क्या हम दो चार घंटे का टाइम दे सकते हैं। हम कौन से अम्बेडकर बात को फॉलो करते हैं कौन से विचारों को फॉलो करते हैं देखिए ज्यादा टाइम बहुत कम है और बोलना बहुत ज्यादा होता है तो मैं बहुत ज्यादा बोलकर नहीं कहूंगा बस इतना ही कहूंगा कि जो बुद्ध का सिद्धांत है बुद्ध के विचार है बुद्ध के जो उपदेश है समता स्वतंत्रता बंधुता और करुणा मुद्दा मैटर पर आधारित है। तो जब हम उनके विचारों को फॉलो करेंगे अपने जीवन में उतारेंगे ये बात कहने से ज्यादा करने की है ये बात कहने से ज्यादा करने की है जब तक हमारे जीवन में उतरेगा नहीं तब तक वो बात समझ में आएगी क्योंकि हम हमारे जहाँ बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन का कुर्बान कर दिया हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक बढ़ाने के लिए यहाँ तक बनाने के लिए हम उनकी जयंती को 1000 बार सेलिब्रेट करते हैं 128 बार सेलिब्रेट करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है हम उनके विचारों को कितनी बार अपने जीवन में उतारते हैं ये महत्वपूर्ण है। जब तक विचार उनके हमारे जीवन में नहीं परिवर्तन लाएंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। यही कारण है कि आज तक 62 साल हो गए 62 साल हो गए धर्म दीक्षा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको बहुत धर्म दीक्षा दिया इन 62 सालों में हमने अपने आप में कितना परिवर्तन किया कोई बताए। जो आज सिमिलर प्रॉब्लम जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात हो रही है उसमें सबसे माइक्रो प्रॉब्लम है जाति का। SC में भी बहुत सारी जातियां हैं SC में भी बहुत सारी जातियां हैं OBC में बहुत सारी जातियां हैं माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुस्लिम में भी साहब को पढ़ा इसमें वहां पर बहुत बुरा हाल सर बारे सभी में बात कर रहा था कि अभी जो मुस्लिम के अंदर भी खान पठान से सैयद हो क्या भी होगी वगैरह समझ नहीं होता होता है सर नहीं होता ऐसे ही यहाँ पर जो तो SC के लोग हैं SC के लोग हैं इनमें भी है जाकर हुआ खरीक है बाली है सारे चीज है मैं इतने दिन से यहाँ लगभग 5 सालों में मुझे दिल्ली में रहते हैं मैं धर्म का काम कर रहा हूँ ये बुद्ध की बात करते हैं बाबा साहब की बात करते हैं उन महापुरुषों की बात करते हैं लेकिन इनके यहाँ भी रोटी बेटी का संबंध होने के तो दूर की बात इनके यहाँ पानी कर नहीं पीते ये लोग आपस में और ऐसे मैं कई फोन मेरे पास आते रहते हैं गाजियाबाद से नाम खुद से कई लोग नेशनल लेवल पर जुड़ा हुआ हूँ तो ये कितनी शर्मनाक बात है हम कौन से बाबा साहब की बात करते हैं कौन से हम उनके शिक्षाओं को पालन करने के लिए बात करते हैं हम कैसे परिवर्तन लाएंगे हम जिनसे मुकाबला करने की बात करते हैं वहां पर पांडे मिश्रा क्या मिश्रा तिवारी क्या तिवारी चौबे क्या चौबे नब्बे क्या नब्बे धीरे जी क्या उनके यहाँ रोटी बेटी संबंध है जानते हैं उनके यहाँ रोटी बेटी का संबंध हमारे यहाँ पानी पीने का संबंध है रोटी बेटी की बहुत जरूरी की बात है तो इसलिए बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना है और ये जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है इस प्रोग्राम का तभी कुछ निष्कर्ष कुछ महत्व तो निकलेगा जब ये प्रोग्राम के साथ साथ हम गाँव में जाएंगे दिल्ली में भी गाँव है दिल्ली के बाहर भी जो अलग अलग
हमको गांव से उठकर के कैसे यहाँ पर पहुंचना है, हमको कैसे लेके आना है, हमको कैसे बाबा साहब की आइडियोलॉजी को हमको बताना है, ये चीज हमको ही करना पड़ेगा, ये दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसलिए कि हम दूसरे पर ब्लेम करने के बजाय अगर हम खुद को चेंज कर लें, हर व्यक्ति को खुद को चेंज करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम शादी विवाह के संस्कार में जाते हैं क्या कहते हैं, हमारे भाभी बेटी जी को मानते हैं तो हमारे भैया जयपुर वाले हैं, उनके कारण भैया साइमन के जाते हैं तो उनकी भाभी जयपुर वाली है। भाई क्यों नहीं खुद को बदलते हो, उनका दोस्त नहीं है। हम जिस ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जिस ब्राह्मणों की बात करते हैं, वो बार बार हमको ये करते हैं कि हम ये हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी औकात हमको हमेशा वो बार बार बताते हैं लेकिन हम फिर भी मानते नहीं, हम भी जाते हैं। तो उसमें गलती किसकी, उनकी है कि हमारे है, तो क्यों नहीं हम सुधारते। तो ये बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती या किसी भी महापुरुष की जयंती को जो दिन होता है वो रिफ्रेश करने का दिन होता है कि हमने आज तक जो आज से इतने साल पहले तक की जो गलती की है, अब जैसे हम संकल्प लेते हैं, संकल्प दिवस होता है कि हम आज से इसके बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर हम ये गलती फिर दोबारा करते तो हमारे बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं। इतने जो लोग बोलते हैं उनको क्या नाम है, सुनने का कोई मतलब नहीं। तो इसी के साथ टाइम ज्यादा होता है, बोलना बहुत होता है, मैं एक बात कह करके समाप्त करूंगा कि मैंने माना कि बुद्ध के विरोधी बहुत हैं, मैंने माना कि बुद्ध के विरोधी बहुत हैं, मगर ज्ञान का कोई विरोधी नहीं। मैंने माना कि बुद्ध के विरोधी बहुत हैं, मगर ज्ञान का कोई विरोधी नहीं। हर वर्ष की दवा एक बुद्ध का धर्म है, कौन इस जमाने में रोगी नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।